40 शब्द प्रति मिनट की गति से 400 शब्दों का मैटर स्टार्ट होने वाला है अब से 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, यह मेरा पहला भाषण है जिसे मैं अपनी मातृभाषा बंगाली में देना चाहता हूं। मैं इस चर्चा में देश के किसानों की समस्याओं और उनके हल की दृष्टि से लेना चाहता हूं। पैरा चेंज, आज हमारे अधिकांश किसानों के समक्ष जटिल समस्याएं हैं। क्या ये समस्याएं केवल किसानों की ही हैं? ऐसा नहीं, ये हमारी राष्ट्रीय राजनैतिक और आर्थिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं ने समूची सामाजिक व्यवस्था के समक्ष समस्याएं पैदा कर दी हैं। इस बात का अनुभव दोनों पक्षों अर्थात कांग्रेस और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को जो सत्ता में है करना चाहिए। कांग्रेस के विरुद्ध एक राजनीतिक निर्णय लिया गया जिसके फलस्वरूप उनका देश में 42 वर्ष पुराना शासन समाप्त हो गया। मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को भी सचेत करता हूं कि वह जनता को जिसने उन्हें वोट दिए हैं, दिए गए वायदे पूरे करे। यदि वे आगामी दिनों में किसानों की, जो आज देश की प्रमुख समस्या है, समस्या को हल नहीं करेंगे तो किसान निकट भविष्य में अथवा वर्तमान शासन के कार्यकाल में उनके विरुद्ध वैसा ही राजनीतिक निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए किसानों की समस्याओं को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए तथा इस माध्यम से ही औद्योगिक
और हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसके लिए एक सुनिश्चित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पहला चेंज मेरे विचार से इस सभा में लगभग 40 सदस्य किसानों के वोट से चुने गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता किसान बाहुल्य क्षेत्रों से निर्वाचित हुए हैं। जो किसान हमें चुनते हैं उनमें से 70% पोते गरीब हैं, छोटे किसान, बटाईदार, कृषि मजदूर बड़ी मुसीबत में है। देश में ये ऐसे लोग हैं जिन पर सबसे अधिक अत्याचार होता है, जिनका सबसे अधिक शोषण होता है और जो सामाजिक अन्याय के शिकार होते हैं। मुझे यह सोचते हुए कि स्वतंत्रता के बहुत वर्षों बाद भी हम उन दलितों के प्रति उदासीन हैं जिनके वोटों से हम लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को उनको चुनावी वायदों के बारे में स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने वायदा किया था कि वे कृषि विकास को अत्यधिक महत्व देंगे। आपको भी कांग्रेस के समान
किसानों की विपरीत प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, 40 शब्द प्रति मिनट की गति से जो मैटर आपने लिखा है उससे संबंधित आउटलाइंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिए। सभापति महोदय, तो दोस्तों क्या करना है, सभापति महोदय, भाषण भय शन का आंकड़ा, मातृभाषा तो मात्र है और भय शय मातृभाषा। इसके बाद दोस्तों क्या है हमारा, अधिकांश तो अधिक में शय लग जाएगा। बंगाली दोस्तों, ये तो हमारा बंगाल और ई की मात्रा पर बंगाली। राजनीतिक और आर्थिक, तो दोस्तों ये राजनीतिक और ये जो आ लगाया है इसको प्रकट कर रहा है आर्थिक को। इसके बाद दोस्तों सामाजिक व्यवस्था, तो ये हमारा सामाजिक व्यवस्था। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। इसके बाद दोस्तों सत्ता, तो सैत है डबल तय सत्ता। समाप्त, इतना बताओ क्या है दोस्तों, समा तो समा का मतलब समाप्त। वायदे ये हो गया। इसके बाद दोस्तों हमारा है प्रमुख, तो प्र मैं खे क्या हुआ प्रमुख। मान और बै का आंकड़ा लगा दो तो वर्तमान। कार्यकाल ये हो गया। इसके बाद दोस्तों अत्यधिक है और ये है तय धै काटेंगे यहां पर अत्यधिक। और औद्योगिक का हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो यही हो गया उठाई। अर्थ है इस्तेमाल का अर्थव्यवस्था। इसके बाद दोस्तों वैज्ञानिक, देखिए ये तो हमारी किक और बै का आंकड़ा लगे तो वैज्ञानिक। उप प्रधानमंत्री, और आप ऐसे भी कर सकते हो उप प्र और त्री उप प्रधानमंत्री। इसके बाद दोस्तों हम जो बराबर में रह गई आउटलाइन उन पे भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बराबर में कौन सी आउटलाइन है दोस्तों, ये वाली, ये इसको देख लेते हैं। बाहुल्य दोस्तों, इसके ऊपर है प्रधानमंत्री, ये हमारा प्रधानमंत्री बाहुल्य। बटाईदार एट है दार का आंकड़ा। अत्याचार एत है और चार लगा देंगे। अन्याय एन है डबल कर देंगे, नेको अन्याय हो जाएगा। उसके बाद है हमारा क्या, महसूस, तो देखिए मैं है और सह से महसूस और मैं और सह से महसूस। लोकसभा ये हो जाएगा। चुनावी चय और वह और इनकी मात्रा चुनावी। इसके बाद है दोस्तों हमारा स्मरण, चाहो तो अण काट दो और चाहो तो नय लगा दो स्मरण। प्रतिक्रिया, देखिए ये तो हो जाएगा हमारा प्रतिक्रिया प्रक्रिया, ये क्या हमारी प्रक्रिया और ये बनेगा प्रतिक्रिया, ओके। तो ये आपकी आउटलाइन, इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, नकल करो और फिर मैटर लिखने की कोशिश करो, ओके। ऑल द बेस्ट।